हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? बता दीजिए फटाफट से, ऑडिबल है कि नहीं? चलिए ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, ऑडिबल है. करते हैं स्टार्ट. टॉपिक चला है हमारा नाउन एंड नंबर. बोर्ड साफ हुआ है, उस वजह से आप लोगों को विजिबल नहीं हो रहा होगा, है ना? चलिए, नाउन एंड नंबर में लास्ट टाइम पे हमने कौन से रूल के बारे में बताया था, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे आंसर दीजिए कि उसमें क्या ऐड होता है. लास्ट रूल मैंने आप लोगों को कल बताया था, तो उसमें क्या चीज हम ऐड करते हैं वो आप आंसर करेंगे मुझे. नंबर बताइए. वी एस एड होता है, बिल्कुल ठीक है. तो आपसे मेरा क्वेश्चन है, LOAF जो लॉफ होता है, इसका जो है वो प्लूरल क्या बनेगा? अभी आप लोग जितने भी देख रहे हैं, अभी तक हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने की बात कर रहे हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है. एक क्वेश्चन आपका इन रूल्स के बेस्ड पे आ सकता है अगर पूछा जाए. दूसरा, आपके पास कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कुछ मतलब सम अलग रूल्स होते हैं, रूल भी नहीं है, एग्जाम्पल्स है जो कि आपके सिंगुलर से प्लूरल के लिए यूज होते हैं. जैसे रेडियस है तो आपको उसका प्लूरल बनाना है, तो आप रेडियस नहीं करोगे, रेडियस नहीं करोगे, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया. वो सम अदर एग्जाम्पल्स हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट आप मुझे बताएंगे लोव का एग्जाम्पल, इसमें प्लूरल क्या बनेगा? लोव्स बनेगा, LOAVES. क्या होगा? LOAVES. ये लोव्स जो है आपके पास, वो था जो हमने कल की बात की थी कि जिसके लास्ट में आपको एफ मिल जाएगा या एफ ई देखने को मिलेगा, उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे? वी ई एस ऐड करेंगे. ये हमने जो है वो कल के रूल में ऑलरेडी पढ़ लिया था, ठीक है. नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट रूल के लिए. इन सम केसेस सिंगुलर नाउन एंड्स विद एफ, एफ ई और ई एफ, इस तरीके से आप डालेंगे नेक्स्ट, ठीक है. इन सम केसेस सिंगुलर नाउन इन सम केसेस सिंगुलर नाउन. सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो चीफ है, CHIEF, इसका प्लूरल क्या बनेगा? CHIEF जो चीफ है, इसका प्लूरल क्या बनेगा? दीजिए आंसर फटाफट से. चीफ का प्लूरल क्या बनेगा? चीफ्स कह रही है पूजा और किसी ने कहा है चीफ्स. तो देखिए, पूजा यहाँ पर हम VES ऐड नहीं करते. अभी आपने इस रूल के अकॉर्डिंग आंसर किया, तो यही जो हम नेक्स्ट रूल कर रहे हैं इसमें आप लोगों को जो है वो चीफ का आंसर मिलेगा, तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. चीफ्स होगा, बिल्कुल सही, चीफ्स वाले सही बोल रहे हैं, ठीक है. तो लिखेंगे, इन सम केसेस सिंगुलर नाउन एंड्स विद सिंगुलर नाउन एंड्स विद किससे एंड होने वाले होते हैं? एफ से एंड हो, डबल एफ से एंड हो, या ई एफ से एंड हो. कल हमने क्या कहा था, एक हमने एफ की बात की थी, एक हमने ई एफ की बात की थी, लेकिन आज हमने जो है वो डबल एफ की भी बात कर ली है यहाँ पर. बट वी कैन नॉट चेंज इन टू वी एस टू मेक अ प्लूरल नंबर, बट वी कैन नॉट चेंज इनटू वी एस टू मेक अ प्लूरल नंबर. वी एड एस ओनली, हम क्या जोड़ेंगे? एस ओनली टू मेक अ प्लूरल नंबर. ठीक
ठीक है, वी एड एस ओनली टू मेक अ प्लूरल नंबर। बात समझ में आ गई? हमने इसमें क्या लिखा कि कुछ केसेस हैं जिसमें सिंगुलर नाउन एंड हो रहा है आपका एफ से, डबल एफ से, ई एफ से, बट हम जो है यहाँ पर इसको वी ई एस में नहीं चेंज करते हैं प्लूरल नंबर बनाने के लिए। हम सिर्फ क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे टू मेक अ प्लूरल नंबर। अब जो आपको वी ई एस में चेंज करना है वो तो आपको पता है, जिनके लास्ट में एफ और एफ ई है, लेकिन जो लिस्ट मैं आप लोगों को अब यहाँ पर लिखवाऊंगी वो लिस्ट आपको ज्यादा याद रखनी है कि किसका चेंज जो है वो किस में होगा। अलग अलग चीजें है ना, जैसे हमने पीछे बात की कि इफ अ सिंगुलर कॉमन नाउन एंड्स विद लेटर वाई बट बिफोर वाई कॉन्सोनेंट इज गिवन, देन वी चेंज इनटू ईएस, आफ्टर दैट वी चेंज इनटू एस, और आफ्टर दैट हमने कुछ और चेंज किया। ठीक है, लेकिन वॉबल के केस में सेम चीजें थी, वहां पर हमने तीन केसेस के बारे में डिस्कस किया था वाई के केस में। ठीक है, थे दोनों के केस में वही कि कॉन्सोनेंट है, मतलब पहले वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन थ्री केसेस बने थे गाइस उसमें। ठीक है, इसीलिए जो हमने ये वाला और ये वाला केस पीछे देखा उसमें हमने वीई एस ऐड किया था, लेकिन अब जब हमारे पास ये तीनों साथ में है, मतलब तीनों चीजें देखने को मिलेंगी, तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एस ऐड करते हैं टू मेक अ प्लूरल नंबर। ओके, अब आप उन एग्जाम्पल्स को नोट करेंगे। फर्स्ट आपको बता दिया मैंने चीफ, नेक्स्ट आप करेंगे बिलीव, बिलीव क्लिफ सी एल आई डबल एफ। यहां पर भी हमारे पास तीन रूल्स बनेंगे, बट पहले आप इन्हीं को नोट करेंगे। ठीक है, चीफ हो गया, बिलीफ हो गया, क्लिफ हो गया, ड्वार्फ ग्रीफ स्कार्फ, ड्वार्फ ग्रीफ स्कार्फ, गल्फ हैंडकरचीफ, गल्फ हैंडकरचीफ, हूफ रूफ प्रूफ, हूफ रूफ प्रूफ करेंगे, फटाफट से चेंज करते चलेंगे इनको, है ना। मिसचीफ पफ पीयू डबल एफ, है ना, पफ रीफ स्टाफ स्टफ, रीफ स्टाफ स्टफ एस टी यू डबल एफ, है ना, स्टफ टफ वाफ टफ और वाफ डब्ल्यू एच ए आर एफ। ये जितने एग्जाम्पल है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ हम क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। ठीक है, स्ट्राइप कैफे और शेफ, इसको भी लिख लो, स्ट्राइप कैफे एंड शेफ। अब देखो इनके प्लूरल नाउन बनाने हैं ना आपको, तो क्या करना पड़ेगा, एस लिखना पड़ेगा हर जगह पर। तो चीफ का चीफ्स बन गया, अपने अपने आंसर्स जो चेक करते रहिएगा, कोई गड़बड़ मत करना बस, है ना। यहाँ पर हम रिमूव नहीं करते हैं, जो पहले हमारे पास एफ था उसमें हम वी एस ऐड करने के लिए उसको रिमूव कर दे रहे थे एफ वगैरह को, जैसे नाइफ था तो हमने नाइफ्स लिखा, एफ ई या एफ को रिमूव कर दिया था, लेकिन यहाँ पर उसी के बाद आ जाएगा। जैसे गल्फ है तो गल्फ्स बन जाएगा, हूफ है तो हूप्स बन जाएगा, प्रूफ है प्रूफ्स बन जाएगा, पफ है तो पफ्स बन जाएगा, है ना, बिलीफ है तो बिलीफ्स बन जाएगा, ड्वार्फ है ड्वार्फ्स बन जाएगा, स्कार्फ है स्कार्फ्स बन जाएगा, हैंडकरचीफ है, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, हैंडकरचीफ्स बन जाएगा, रूफ है रूफ्स बन जाएगा, मिसचीफ है मिसचीफ्स बन जाएगा, रीफ है तो रीफ्स बन जाएगा, स्टाफ है स्टाफ्स बन जाएगा, स्टफ है स्टफ्स बन जाएगा, टफ है टफ्स बन जाएगा, वाप्स बन जाएगा, स्ट्राइप्स बन जाएगा, यस, है ना, और कैफेज बन जाएगा, सेफ्स बन जाएगा। ठीक है, जैसे है बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस आप लोगों ने वहां पर एस ऐड कर देना है, एस ए एफ ई एस के सी ए एफ ई एस कैफेज। ऐसा नहीं सोचना है कि सी ए एफ एस लगा दिया और कैप्स बना दिया। ठीक है,
ये वाली चीज क्लियर हो गई सबको कि जिसमें हम सिर्फ एस जोड़ते हैं वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, वो मैंने आप लोगों को यहां पर लिखवा दिए। बोलिए फटाफट से, क्लियर है कि नहीं? फटाफट से बताइए, क्लियर है यहां तक कि नहीं? नेक्स्ट रूल के ऊपर मूव करें। ठीक है, चलिए अब देखो इनमें से कुछ एग्जाम्पल है जो मैं यहां पर जो है वो सिर्फ अंडरलाइन करूं। यहां पर आप देख रहे हो एक हुफ है, ठीक है, दूसरा आप देखेंगे यहां पर स्काफ है, ठीक है, तीसरा आपके पास यहां पर स्टाफ है, और लास्ट आपके पास वाफ है। ये जो चार एग्जाम्पल हैं इनको आप दोनों में चेंज कर सकते हो, वीईएस में भी चेंज कर सकते हो और एस में भी चेंज कर सकते हो। बात समझ में आ गई? जैसे हुव्स है आपके पास, इसको आप हुव्स भी लिख सकते हो, प्रचलित में है ये दोनों, इनको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे एफ एस को रिमूव करके क्या कर देंगे आप, वीईएस में चेंज कर देंगे। वैसे ही आपके पास स्काफ है तो इसको स्काफ्स में चेंज कर सकते हो आप, स्टाफ है इसको स्टाफ्स में चेंज कर सकते हो, ठीक है, और वाफ है इसको वाब्स में चेंज कर सकते हो, WHARVES। बात समझ में आ गई? ये जो चार मैंने आपको बताया, हूफ, स्काफ, वाफ और स्टाफ, इसका आपको चेंज करना है दोनों में। एस भी ऐड कर सकते हो, वीईएस भी ऐड कर सकते हो, या आप लोगों ने अंडरलाइन करके देखना है कि इनके जो है वो दोनों दोनों बन जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको कि कौन कौन से हैं जिनका आपको सिर्फ एस ऐड करना है और किन के साथ आपको दोनों चीजें ऐड करनी है। ठीक है, ये तो हो गए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है, आपने देखा होगा जैसे डोर माउस है आपके पास, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो मतलब हमारे पास जो है वो प्लूरल नाउन बनाता है। डोर माउस का प्लूरल नाउन क्या बनेगा, फटाफट से आंसर कीजिए, डोर माउस का प्लूरल नाउन क्या बनेगा, आंसर करेंगे फटाफट से, डोर माउस का प्लूरल नाउन। बताइए फटाफट से, डोर माउस का प्लूरल नाउन क्या बनेगा, फुट का प्लूरल नाउन क्या बनेगा, फुट है, फुट का प्लूरल क्या होता है, डोर माउस एंड फुट। ये दो एग्जाम्पल है आपके सामने, डोर माउस है और फुट है। हाँ जी, ओके अमर, मिल जाएगा, मेरे को मैसेज करना आप, मैं वहां पे आपको भेज दूंगी। बाकी ड्राइव पे भी चढ़ी जाएंगे आपके आज लेक्चर्स जो है। ठीक है, ठीक है, डोर माउस और फुट ये हम बात कर रहे हैं कि इनका क्या होगा। अब कोई कोई जो है वो आंसर दे भी देंगे, लेकिन ये होता कैसे है, कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, मिडिल लेटर ऑफ अ वॉवल जो है उसको चेंज करते हैं। तो आप ऊपर लिखेंगे, इन सम केसेस वी चेंज द मिडिल लेटर ऑफ द सेंटेंस, मिडिल लेटर ऑफ द वर्ड, वी चेंज द मिडिल लेटर ऑफ द वर्ड। अब जो आपके पास एक वर्ड है डोर माउस है, आपने मिडिल लेटर जो है वो चेंज करना है, तो डोर का तो डोर है, माउस का मिडिल लेटर चेंज कर दिया, तो आपने यहां पर क्या बन जाएगा, डोर माइस बन जाएगा आपके पास इसका प्लूरल। फुट है, यहां पर मिडिल लेटर को चेंज कर देंगे हम, तो यहाँ पर फुट का हमने क्या बना दिया, फीट बना दिया। बात समझ रहे हो आप कि जो मिडिल लेटर्स है जिनके उनके बीच में जो वॉबल है, हम सिर्फ मिडिल लेटर ऑफ अ वॉबल लिखो, आप वर्ड मत लिखो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, मिडिल लेटर ऑफ द वॉबल्स, जो वॉबल्स के मिडिल लेटर है। अब है तो यहाँ पर भी है जो ई है ना, है तो ये भी आपके पास, लेकिन हमने मिडिल लेटर चेंज करना है,
यहाँ पर लेटर के बीच में जो है फुट दोनों थे, इसीलिए हमने दोनों का जो है वो क्या बना दिया यहाँ पर, फीट बना दिया, आप देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आप बताएंगे मुझे, गूज है, लाउस है, गूज है, लाउस है, LOUSE। वैसे ही आपके पास मैन है, वुमन है, टूथ है। आप देखते हो ना यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके मिडल लेटर हर एक चीज के चेंज करते हैं। यहाँ पे भी मिडल में डबल ओ था इसीलिए गीज बना दिया। यहाँ पर मिडल लेटर में आपके पास जो है लाउस का LOU दोनों है ना, तो इसका लाइस बना देंगे। मैन का ए है ना बीच में, इसको हमने चेंज कर दिया, एन बना दिया। वुमन का वू तो सेम है, मैन है, तो आगे क्या बना देंगे, वू मैन बना देंगे। टूथ में ओ चेंज हो जाएंगे तो टीथ बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे जो मिडल लेटर ऑफ द सेंटर, मिडल लेटर ऑफ द बॉबल, उसको चेंज करके हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, अब देखो कुछ ऐसे नाउन भी हैं जिनके लास्ट में हम क्या करते हैं, ई एन और आर एन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इन सम अदर वर्ड्स वी एड एन और आर एन, ई एन और आर एन टू मेक अ प्लूरल नंबर। जैसे आपके पास है ब्रदर, इसको अगर आपको प्लूरल बनाना है ब्रदर का तो क्या हो जाएगा बताओ जरा। ब्रदर है, चाइल्ड है, ऑक्स है, चाइल्ड है और ऑक्स है, इनको आपको प्लूरल बनाना है तो क्या करोगे। एक तो ब्रदर में आपको पता ही है आप नॉर्मली ब्रदर्स बोलते हो, लेकिन एक और बनता है आपके पास आर ई एन ऐड करके, ब्रदरन बन जाता है। ठीक है, ब्रदरन ई एन जोड़ देते हैं हम उसमें। जैसे चाइल्ड है इसमें आर ई एन लगेगा तो क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन। ऑक्स है इसमें ई एन लगेगा तो क्या बन जाएगा, ऑक्सन। तो ये तीन एग्जाम्पल है, इनका आपको पता होना चाहिए। ब्रदर का प्लूरल जो है वो ब्रदरन जो है आपसे पूछा जाता है कि ये क्या बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, ब्रदरन बनता है। ब्रदर का प्लूरल ब्रदरन होता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, तीन चार रूल्स हमने देखे इसके, ये वाली चीजें पता चली। ठीक है, अब देखो इससे नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, जो सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड्स में आप एस जोड़ दो अगर। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगुलर कंपाउंड नाउन, इसका मतलब क्या होता है, कंपाउंड नाउन का मतलब होता है कंपाउंड होते हैं जो मिलकर बनते हैं, कंपाउंड मतलब जोड़ के बनते हैं, दो शब्दों को जोड़कर बनते हैं। जैसे सिंगुलर कंपाउंड नाउन में मैंने क्या कहा, इसमें हम क्या ऐड करते हैं, एस ऐड कर देंगे। अगर हम सिंगुलर कंपाउंड नाउन में क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे, लेकिन कहां पर, जो उसका मेन वर्ड होगा। वेट, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके आपको बताती हूं। इसमें आप लिखेंगे, ऐड करेंगे एस, लेकिन कहां पर, मेन वर्ड में आप ऐसा ऐड करो। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है कमांडर इन चीफ है आपके पास एग्जाम्पल, इसका प्लूरल बताएंगे सभी अपने अपने अकॉर्डिंग। कमांडर इन चीफ आपके पास एग्जाम्पल है, इसका प्लूरल बताएंगे कमांडर इन चीफ, ई आर है यहाँ पे, है ना, कमांडर इन चीफ जो है इसका प्लूरल बताइए सभी फटाफट से। कमांडर्स इन चीफ बता रही है सुमन, कमांडर्स इन चीफ बता रहे हैं प्रियंका भी, इन चीफ्स हो जाएगा, अंकित कह रहे हैं इन चीफ्स। अब देखिए सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो एफर्ट्स किए, तो यहाँ पर जो मेन वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ, जो मेन वर्ड है आपके पास वो क्या दिया गया है, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा यहाँ पर। जो देखिए चीफ तो सभी होते हैं ना, चीफ मतलब किसी भी चीज का चीफ हो सकता है, लेकिन कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ मतलब प्रधान सेनापति के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन
चीफ हो जाएगा, इसमें आपके पास जो है वो एस ऐड होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। वैसे ही मैं अगर कहूँ सन इन लॉ है या फिर स्टेप मदर है, सन इन लॉ, फादर इन लॉ, इस तरीके से कई चीजें होती हैं, है ना। और उस तरीके से मैंने कहा स्टेप मदर है, अलग अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर मदर तो सभी है ना, इन लॉज तो सबके होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन है वहां पर लगता है आपका एस। वैसे ही स्टेप्स मदर हुआ, तो ये इसके प्लूरल बनेंगे। बात समझ में आ गई। सन्स इन लॉ होगा और उसके बाद स्टेप मदर होगा कि स्टेप्स मदर होगा, बताओ। यहां पर मैंने एस लिखा तो ये सही था कि गलत था, बोलिए। स्टेप्स मदर होगा कि स्टेप मदर्स होगा, यहां पर हो जाएगा आपका। स्टेप तो सबको बोलेंगे हम जिनके लिए भी है, लेकिन मदर की यहाँ पर मेन वर्ड आएगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्टेप मदर्स हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको स्टेप उस पर आएगा तो आपने स्टेप मदर्स, स्टेप फादर्स, स्टेप ब्रदर्स, इस तरीके से बात करनी है। लेकिन इन लॉज से पहले की बात हो रही है, जैसे इन लॉ तो सबके होते हैं, लेकिन ब्रदर्स सिस्टर इसमें चेंज होता है आपका। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने जो है इन सभी चीजों के बारे में बात की। ठीक है, लग गया पता सभी को। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें आपको यही चीज चेंज करनी होती है, जैसे थोड़ा सा, जैसे मैन डॉक्टर है ना, तो उसको भी आपको कंपाउंड नाउन के लास्ट में एस जोड़ के प्लूरल बनाना है। मैन और वुमन बने होते हैं ना कंपाउंड नाउन, तो उसमें चेंज करेंगे तो मैन डॉक्टर का क्या हो जाएगा, आप आंसर करेंगे जरा। मैन डॉक्टर है तो उसका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप क्या करोगे, मैन डॉक्टर का प्लूरल कैसे बनेगा, बताइए जरा। मैन डॉक्टर का प्लूरल क्या बनेगा, वुमन डॉक्टर बनेगा कि मैन डॉक्टर्स बनेगा, क्या बनेगा, थोड़ा सा ऐसे कॉमन सेंस लगाओ जरा। मैन डॉक्टर है, उसका प्लूरल बनाना हो तो क्या बनेगा, आंसर कीजिए। मैन डॉक्टर का प्लूरल क्या बनेगा, मैन डॉक्टर्स बनेगा, वुमन डॉक्टर नहीं बनेगा, मैन डॉक्टर का मैन डॉक्टर्स बन जाएगा, क्योंकि वो ग्रुप को बताएगा पूरा। ठीक है, एम ए एन नहीं रहेगा, मैन डॉक्टर्स हो जाएगा। वुमन डॉक्टर है, वुमन डॉक्टर्स हो जाएगा। मैन टीचर है, मैन टीचर्स हो जाएगा, मतलब ग्रुप को बताएंगे हम। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ मैंने आपको जो कहा था, कुछ एनी अदर लैंग्वेज से आपके पास जो है वो लिए गए होंगे। जैसे आपके पास पूछा जाए कि एजेंडम वर्ड है, इसका प्लूरल क्या बनता है, तो वो एजेंडा बनता है। जैसे मैंने आपको बोला था रेडियस वर्ड है, इसका प्लूरल क्या बनेगा, तो वो रेडियाई बनता है। इस तरीके के कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं जो इनमें से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हम करेंगे कल की क्लास में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आप लोगों को कैसे लगी आज की क्लास, वो भी आप लोग बता देंगे। हाँ जी अमरजीत, मैसेज कर दीजिएगा। ओके।